नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ वन के जी पर सेकेंड सवाल ये है दिस फ्यूल इज रिजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद द वेलोसिटी ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर सेकेंड अब सवाल ये है कि दिस एक्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द रॉकेट इक्वल टू हमारे ऑप्शन है सिक्सटी न्यूटन सिक्स हंड्रेड न्यूटन सिक्स थाउजेंड न्यूटन या फिर सिक्सटी थाउजेंड न्यूटन ना बहुत सिंपल सवाल है वेरिएबल मास का सवाल है वेरिएबल मास के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी यानी कि डी बाय डी टी ऑफ एम वी और बिकॉज मोमेंटम को हम एम वी लिख सकते हैं और इसको जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारा जो फोर्स आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाय डी टी प्लस वी मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाई डी टी नाउ ये वाला पोर्शन जीरो होएगा बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट लेते हैं सो so, आपका जो फोर्स आ गया दैट विल बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाई डी टी बस ये डेटा दे रखा है हमें यहाँ वैल्यू डालनी है तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है सिक्सटी किलोमीटर्स सिक्सटी इंटू ट्वेंटी पावर थ्री मीटर पर सेकेंड हो गया डी एम बाई डी टी अपने को दिया है वन के जी पर सेकेंड सो मल्टीप्लाइड बाई वन तो आपकी जो फोर्स की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू सिक्सटी इंटू ट्वेंटी टू पावर थ्री न्यूटन Uh, which means uh, option number B 60,000 would be the right answer.